एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ न्यूट्रल सा सॉफ्ट लुक जो कि आप एवरीडे पे कर सकते हैं। सो ये लुक कैसे अचीव करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है कोई भी फेस मिस्ट जिससे आपका फेस बहुत हाइड्रेट रहेगा, स्किन पे ग्लो आएगा। नेक्स्ट, फेस को अगेन हाइड्रेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फेस मॉइस्चराइजर, फेस क्रीम या फिर सीरम। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का सीरम लेके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ जिससे फेस बहुत हाइड्रेटिंग रहेगा और अंदर से ग्लो आएगा। नेक्स्ट, आपको आपके जो भी पोर्स हैं उनको हाइड करना है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोफेशनल का बेनिफिट्स का द पोर प्रोफेशनल प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है ये, मिनी साइज़ है, इजली अवेलेबल है नायका पे। तो उसके बाद उससे आपके जो पोर्स हैं वो फिल इन हो जाएंगे, स्मूथ बेस मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट, फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेकअप रेवोल्यूशन का ये फाउंडेशन। मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट सेकंड टाइम में मुझे काफ़ी ड्राई लगा। सो अगर ऑयली स्किन है तो उनके लिए अच्छा है, बट मेरे लिए थोड़ा सा ड्राई है। मेरा शेड है F8 और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ये रियल टेक्निक का डायमंड स्पंज है, उसकी हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और मुझे ब्लेंड करने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी इस फाउंडेशन को, बट इसका कवरेज वगैरह फिनिश इज़ ओके। सो या, अगर आपकी ऑयली स्किन है आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, आपको कंसीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए तो। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही हूँ अंडर आइज को, आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी ब्राउज के ऊपर ताकि ब्राउज आर्च अच्छी शेप आए, और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। इसे मैंने थोड़ा सा चिन पे, नोज़ पे अप्लाई किया है जहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सो इससे बहुत ही अच्छा बेस मिलता है और ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, फ्लॉलेस कवरेज देता है आपको। नेक्स्ट, आपको फिल करनी है ब्राउज। ब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप एक अच्छा लुक चाहते हो तो हमेशा अपने ब्राउज को फिल करो। पाउडर आप यूज़ कर सकते हो या फिर पेंसिल। नेक्स्ट, यहाँ पे एक न्यूट्रल सा पैलेट लेना है, सबके पास न्यूट्रल पैलेट मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल है लोकल मार्केट्स में नहीं तो ऑनलाइन। तो इस पैलेट में से मैंने ये लाइट ब्राउन शेड लिया है जिसे मैंने अपनी पूरी आईलिड प्लेस किया है। तो आप कोई भी न्यूट शेड या न्यूट्रल ब्राउन कलर का शेड पूरी आईलिड पे प्लेस कर सकते हैं, इससे आई मेकअप बहुत न्यूट्रल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ऑफिस भी आप ऐसे मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज टिंट वाला शेड लेके अपनी आईलिड पे प्लेस किया और हल्का सा उसमें से ब्रॉन्जी शेड लेके पूरी आईलिड पे प्लेस करा। नेक्स्ट, मैं कोई भी फॉल्सेस नहीं लगा रही क्योंकि मैं ग्लैम लुक नहीं कर रही हूँ, एक न्यूट्रल सा लुक है। तो मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, और 2 से 3 कोट मस्कारा अप्लाई करिए ताकि आपकी लैशेस बहुत प्रिटी लगे। एंड यू गाइस कैन सी कि ये मिलानिंग का मस्कारा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, आपको बहुत ही थिन लाइनर ड्रॉ करना है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट इससे आपकी आईज़ को बहुत अच्छा फ्रेम मिलता है अगर आप पतला सा लाइनर ड्रॉ करते हैं तो। और उसके बाद आईज़ को थोड़ा सा यू नो बिगर लुक देने के लिए आप कोई न्यूट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, न्यूट काजल। तो मैंने वेट एंड वाइल्ड का न्यूट काजल लिया है। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 03 रस्ट हैव, ये शुगर की क्रीमी मैट रेंज में से हैं, और इसी को मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर लूँगी। सो अगर आप एक बहुत ही ब्रॉन्जी काइंड ऑफ अ लुक चाहते हैं तो आप ऐसे ही यू नो ब्रॉन्ज टोन या फिर वार्म टोन के कलर्स अपने फेस पे अप्लाई करें, बहुत ही अमेजिंग लगता है आपका मेकअप। यू गाइस कैन सी कि मेरे फेस पे ये ब्लश का काम भी बहुत सुंदर करी है। तो लिपस्टिक थोड़ी सी ज़्यादा ही यू नो रस्टी ऑरेंज लग रही थी, तो थोड़ा न्यू शाइन के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। नेक्स्ट, यू नो शुगर की स्वीट सीक्रेट लिपस्टिक इन दी शेड नायलॉन न्यूर। नेक्स्ट, मैंने सॉफ्ट यू नो हाईलाइट कर रही हूँ ब्राउ बोन को, शिमरी हाईलाइट नहीं करना है, और मैं कोई हाईलाइटर भी यूज़ नहीं करूँ क्योंकि एक न्यूट्रल सा लुक है जो आप कहीं पे भी करके जा सकते हैं। इवन आप इस लुक को पार्टी में भी कर सकते हैं। नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, अगर आपकी नोज़ थोड़ी सी यू नो पकौड़ा टाइप है या मोटी सी है तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, बट बहुत हल्की कॉन्टोरिंग जिससे पता ना चले। तो मैंने लगाने के बाद ब्लेंड कर लिया है फ्लफी ब्रश के से। उसके बाद मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए आपको सेटिंग स्प्रे चाहिए, और मैंने पहने एक ब्लैक कलर के ईयरिंग्स। अगर ये ईयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट chaystyles.in पे, इवन आप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पे जाके। सो या, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। यू गाइज कैन सी कि काफ़ी न्यूट्रल ब्रॉन्जी लुक है, और ये लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। आप किसी भी ऑफिस पे, कॉलेज में करके जा सकते हो, एवरीडे के लिए भी परफेक्ट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, ये लुक अच्छा लगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन, बाय गाइज, स्टे ब्लेस्ड।